आचार्य जी का जो है ध्यान रखिए, तब तक जो है आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य जी का आगमन होने वाला है। बोलिए सरस्वती माता की आइए, विनायक यादव जी आप आइए और इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत किया जाए। श्री विनायक यादव जी, श्री त्रिभुवन सिंह जी और उनके साथ में जो भी हैं, आप लोग आइए और इस कार्यक्रम की जो है हम लोग वैधानिक शुरुआत करें, क्योंकि माता जो सरस्वती है, जो सृष्टि के जो है शुरुआती दौर में आई और उनके महत्ता को जानने के लिए हम लोग जो है अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। कभी हम लोग भूगोला का कार्यक्रम कराते हैं, तो कभी कीर्तन कराते हैं, कभी प्रयासों के द्वारा जो है माता की महत्ता को जो है परखते हैं। तो आज हम लोग माता के महत्ता को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसका उद्घाटन जो है श्री विनायक यादव जी, जो अपने गांव के निवासी हैं और जो पंचायत मित्र के जो है कार्यों को निपटाते हैं और साथ में हमारे संरक्षक जो है कमेटी के संरक्षक श्री त्रिभुवन सिंह जी, आप हमेशा जो है सहयोग करते हैं। आपके द्वारा जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है। साथ ही में विनायक जी के साथी आपके द्वारा भी जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन होना है। श्री सत्यन ठाकुर जी आप आगे आ जाइए, इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भाग लीजिए। जो भी हमारे पीछे जो अतिथि हैं, आप लोग आइए, इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत कीजिए। श्री सत्यन ठाकुर जी उनको भी लगाइए, दिया जाए। बोलिए सरस्वती माता की, 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 सरस्वती माता की। अब हम चाहेंगे, हम यही चाहते हैं कि समाज के साथ हम सब में यह आस्था का और विश्वास का एक पर्व होता है। सब कुछ शिक्षा के ऊपर निर्धारित होता है। अगर आप शिक्षा के साथ हर चीज को जो आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहेंगे बनता है। इसी साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव के सभी नौनिहाल बच्चों के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाकर और मेरे गांव में ऐसा शिक्षा का ज्योति जले
कि उसकी प्रकाश दूर दूर तक जाए और गांव के अंधकार और गांव के गरीबी इस शिक्षा के द्वारा मिट जाए और मेरा स्वभाव और हम लोगों के बीच में इस सरस्वती पूजा के नींव एक तरह से कहिए या शुरुआत कहिए, वह शुरुआत हमारे रामेश्वर भाई और उनके विशेष सहयोगी जो अपने पूरे जीवन को उसमें खपा दिए, आज भी हम लोगों के सामने मौजूद है छत्रपति शिवाजी राम प्रवेश चौरसिया और केवा। तो हम चाहेंगे कि दोनों लोग साथ आकर के, और उस बच्चों का हार्दिक इच्छा है कि रामेश्वर जी आप भी एक फीता काटिए और चंदन लीजिए और माता से आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए, इसलिए कि यह सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है और सबके सहयोग से मिलता है। मनोबल को हमेशा समृद्ध ऊर्जावान रखना चाहिए, इसलिए कि ऊर्जा रहता है तो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। रामेश्वर भाई के तरफ से भी इस बच्चों के लिए सहयोग दिया गया, इसके लिए समिति धन्यवाद देती है। प्रकाश जी ने इसके लिए भी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है और इन्होंने बच्चों को सहयोग राशि में 501 रुपया देने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो दूर पर ज्वाले हो गए हैं, केला है, केला लाइए एक ठू, केला आप अपने स्थान पर ही चार बार घूम जाइए, ऐसे बोला बोला बाहर पहुंचे ओम जानी पानी चप्पा पानी जन मंत्री पानी सर्वाणी नश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती का थाल नीचे रखिए और नीचे रख करके एक बार जल दिखा करके गिराइए, जल से शीतल कर दीजिए अग्निदेव को। चलिए आरती का थाल नीचे रखिए और एक बार जल दिखा गिराइए, जले न शीतल गरम हर गरम, बाएं हाथ से थाली को उठाइए, दाहिने हाथ से लौंग दिखाइए, लोटा नीचे रख दीजिए, लो दिखाइए जैसे से दिखाया जाता है आपसे, देव नाम अभिवंदनम दिव्य नाम अभिवंदनम, देव नाम अभिवंदनम दिव्य नाम अभिवंदनम, आत्मा नाम अभिवंदनम स्वात्मा नाम अभिवंदनम, आत्मा नाम अभिवंदनम स्वात्मा नाम अभिवंदनम। I'm not afraid.
चलिए कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए।
फसल है तेरी इस बार, तो उसकी मेहनत का नतीजा है काका। ऐसे ही तेरे बच्चे रोज रोज स्कूल जाए तो नतीजा अच्छा होगा। नाम तो लिखवा दिया है। अच्छा, तो खेत में भी बीज बो के ही छोड़ देते? हाँ। सुनो, काम छोड़ो, स्कूल जाओ। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें।